नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ अरुति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेताओं का हल्ला बोल, राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस डेलीगेशन के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के मार्च को परमिशन नहीं मिली है। पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया है। प्रियंका के साथ कई अन्य नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। 10 जनपद पर धरना दे रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेताओं के डेलीगेशन को रोक लिया गया है और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं डेलीगेशन के साथ और कांग्रेस के मार्च को दिल्ली में इजाजत नहीं मिली है। प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने और उनके साथ कई अन्य नेता भी हिरासत में लिए गए हैं। 10 जनपद पर धरना दे रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। मार्च निकालने की तैयारी में थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन इजाजत नहीं मिली कांग्रेस के मार्च को और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के डेलीगेशन के साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस का मार्च रोक दिया है। दिल्ली में पुलिस ने मार्च की इजाजत नहीं दी है। कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी का मार्च और कांग्रेस नेताओं के साथ, आपको बता दें कि मार्च निकाल रहे थे राहुल गांधी, जिसे परमिशन नहीं मिली थी और इसी को देखते हुए कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली में भारी संख्या में पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है और पुलिस बल को तैनात कर बैरिकेडिंग लगाई गई। कांग्रेस डेलीगेशन को परमिशन नहीं मिली। बैनर, पोस्टर, तख्ती लेकर कांग्रेस पैदल मार्च निकाल रही है। बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस सांसद आज राष्ट्रपति भवन की ओर कूच करने वाले थे। पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन एन वक्त पर पार्टी को परमिशन नहीं मिली, पुलिस ने रोक लिया कोरोना का हवाला देकर, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। राष्ट्रपति से मुलाकात करने जाने वाला था कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन, जिसे इजाजत नहीं मिली, कोरोना का हवाला देकर पुलिस ने रोक लिया और धारा 144 लागू कर दी गई। सुबह 10 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचने वाला था राष्ट्रपति से मुलाकात करने। मार्च निकालने वाली थी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपने वाली थी, लेकिन परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी का यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और तमाम अन्य नेता भी हिरासत में हैं। और तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शंकर सुमन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शंकर, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, क्या अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए अदिति, आज सुबह से ही यहाँ कांग्रेस दफ्तर के आसपास जो है कार्यकर्ता जुटे शुरू हो गए थे। भारी तादाद में यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे ऑफिस में, क्योंकि जिस तरह से कल ही ये जानकारी दी गई थी कि एक मार्च निकाला जाएगा यहाँ राहुल गांधी के अगुवाई में, और विजय चौक से लेके देखिए तो राष्ट्रपति भवन तक ये मार्च रहेगा और उसके बाद राहुल गांधी और वरिष्ठ जो कांग्रेसी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल है वो जाकर राष्ट्रपति से मिलेगा, और 2 करोड़ किसानों के जो हस्ताक्षर किए हुए ज्ञापन है वो राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। हालांकि देखिए तो राष्ट्रपति से मिलने के लिए राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं डेलीगेशन के साथ, प्रतिनिधि मंडल के साथ। लेकिन यहां से यानी कि कांग्रेस दफ्तर जो कि 24 अकबर रोड पे है, जब ये यहां से कार्यकर्ताओं का हुजूम निकला तो उसे रोक दिया गया है। और उसी में चूंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज भी हैं, साथ ही साथ
राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उन्हें फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। वहीं कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि भारी संख्या में कार्यकर्ता यहां जुटे थे ऑफिस में, कार्यकर्ता के साथ साथ और जो वरिष्ठ नेता भी हैं। तो फिलहाल स्थिति यही है अदिति, प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है, बाकी तमाम जो नेता कार्यकर्ता उन्हें पहले ही रोक दिया गया है। वहीं राहुल गांधी को जाने दिया गया है, जो कि कुछ वरिष्ठ जो नेता हैं उनके साथ वहां राष्ट्रपति के पास पहुंचे। राष्ट्रपति से राहुल गांधी की मुलाकात इस वक्त चल रही है या ज्ञापन सौंपकर बाहर निकल चुके हैं, इसको लेकर क्या अपडेट है? अभी इस बारे में अपडेट नहीं है अभी, लेकिन कुछ ही क्षण में ये अपडेट मिल जाएगा अदिति, क्योंकि ज्यादा वक्त ऐसे ज्ञापन सौंपने में लगता नहीं है। बस एक देखें तो औपचारिकता होती है कि वहां जाकर मुलाकात होती है वो, और कुछ मिनट में ये मुलाकात जो पूरी हो जाती है। तो वहां पहुंचे हैं तो कुछ ही क्षण में वो बाहर निकलेंगे प्रतिनिधि मंडल के साथ, और फिर मीडिया से जब मुखातिब होंगे तो ये बातें सामने आ जाएगी कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। हालांकि देखिए ज्ञापन सौंपने की बात है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर के दावे किए गए हैं कांग्रेस के तरफ से, और हालांकि हमने देखा भी है कि गाड़ियों में 2 ट्रक में ये पूरा जो है कार्टन भर के रखा हुआ है, जो कि ज्ञापन के रूप में है कि 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें दावे किए। कांग्रेस पार्टी के ज्ञापन में मांगे क्या क्या है, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी है? देखिए मुख्य रूप से मांगे यही है कि किसानों के समर्थन में ये ज्ञापन सौंपा गया है, तो निश्चित तौर पे है कि इसमें एक ही मुख्य रूप से मांग है अदिति, कि जिस तरह से किसान अड़े हुए हैं, करीब करीब देखें तो 1 महीना हो गया है उनको यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए धरना पे बैठे हुए, तो कांग्रेस की तरफ से भी किसानों की मांग का समर्थन करते ये बात कही गई है। ज्ञापन में भी ये बात मुख्य रूप से देखें या पूरे ज्ञापन देने का लबोलुभाव वही है कि इस 3 नए कृषि कानून जो है उसको निरस्त किया जाए। इससे कम कुछ किसान चाह भी नहीं रहे हैं और इसी पे वो अपना इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, तो इसी सिलसिले में कांग्रेस की तरफ से भी यही मांग की गई है, ज्ञापन में बात की गई कि 1 महीने से किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार सुनने को कुछ तैयार नहीं है, तो इस कानून को रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए। शंकर, क्योंकि 29 दिन से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, जगह जगह प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जगह जगह से, चाहे गाजियाबाद की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें, हर बॉर्डर पर किसानों का हल्ला बोल है। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी या यूं कहें कि विपक्षी दल भी मैदान में कूद पड़े हैं, सड़कों पर उतर गए हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की चुनौती कितनी बढ़ गई? देखिए अदिति, प्रशासन की जाहिर सी बात है चुनौती बढ़ गई, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो है परेशानी आम लोगों को हो रही है। पिछले 1 महीने से करीब दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं उन तमाम बॉर्डर पे किसान जो है बैठे हुए हैं और वहां से वो अपने आंदोलन को चला रहे हैं। तो निश्चित तौर पे है, सिंघु बॉर्डर की ही बात कर लें तो एक मुख्य ये मार्ग है, रास्ता है, क्योंकि जीटी रोड ये है, हरियाणा उधर पीछे देखे तो पंजाब और बाकी तमाम जो राज्य हैं उनको जोड़ने वाली ये सड़क है, मार्ग है, जिसपे कि पिछले 1 महीने से अवरोध पैदा है उसको डाइवर्ट किया गया है। तो निश्चित तौर पे है कि जो 5 मिनट की दूरी थी कि वहाँ बॉर्डर क्रॉस करके जिसे जाना था उस रास्ते को क्रॉस करने में अब लोगों को 50 मिनट भी लग रहा है, तो आम लोगों को परेशानी हो रही है। और आज देखें कि कांग्रेस का प्रदर्शन है या टीएमसी के भी सांसद जाकर मिले हैं सिंघु बॉर्डर पे, पहले भी मिले थे, और बाकी जो और पार्टियों के जो नेता हैं वो बीच बीच में मिलने का प्रयास करते रहे। कांग्रेस क्योंकि शुरू से ही लगातार जो है इस आंदोलन का समर्थन कर रही है, क्योंकि ज्यादातर देखें किसान तो पंजाब से निकले। बिल्कुल शंकर, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।